और अब झंडू दुल्हन के पश्चात पारित ने मार्च पास्ट की, जिसकी हम प्रतीक्षा कर हमारे लिए जवान जो आज यहाँ प्लेटफॉर्म्स में खड़े हैं, इनका मार्च पास्ट होने वाला है, जिसकी हम प्रतीक्षा में है। झंडू दुल्हन के बाद मार्च पास्ट के लिए जवानों के आज के परेड के कमांडर बैटल आपके समक्ष आएंगे, उनके कमांड सुनकर नहीं करेंगे, लेकिन संपूर्ण बैटल जो आज आपके समक्ष प्रशिक्षण कमांड परीक्षावान सहायक पुलिस अधीक्षक आज आपके सामने के बैटल कमांडर फर्स्ट विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना और इन जवानों के शौर्य की गाथाओं को किताबों में शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इनके कार्य में इनकी पहचान, इनकी ऊर्जा और इनकी क्षमता अद्वितीय है, अतुलनीय है, और इसी विशेष कारण से भारतीय सेना, भारत के जवान संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान जानते हैं। इनकी इसी पहचान इसी हम सेलिब्रेट कर रहे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के गणतंत्र के इस उत्सव के समय हम सभी लोग आज उनके द्वारा के लिए कामों से जिसे तैयार नहीं करते बल्कि दृढ़ संकल्प हो गए इस विजय यात्रा में जो उनकी गंती भूमिका है उसे याद करते हुए उनके साथ सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट कमांडर जो आपके सामने से दूसरे वाला है, फर्स्ट कमांडर श्री के विजय शंकर जी, सेकेंड कमांडर श्री राजेंद्र चौधरी जी मंच की तरफ आते हुए आज की ये पैटर्न उस जॉब के समक्ष पहुँचने वाले हैं। मार्च पास्ट सलामी देते हुए एसआई मुकेश राय, उसके बाद आरआरपी एक जामताड़ा पीएसआई भवेश कुमार रवानी, आईआरपी जामताड़ा के पश्चात झारखंड सैन्य पुलिस साहिब का चुनाव पीएसआई जितेंद्र कुमार सिंह, तत्पश्चात दुमका जिला बल पीएसआई अमन राज। मंच के समक्ष से गुजरता हुआ ये प्लाटून आपके समक्ष जामताड़ा जिला बल के प्लाटून कमांडर हैं पीएसआई मनोज करमाली, कोटा जिला बल पीएसआई श्यामल कुमार मंडल मंच पर मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी आज मंच के समक्ष से गुजरते हुए ये प्लाटून कमांडर सपकटा के साथ पड़े हैं चिरपरित अंदाज में, और उसके बाद गृह रक्षा वाहिनी दुमका आपके समक्ष से गुजरते हुए एसआईआरबी दुमका महिला प्लाटून, इसकी पीएसआई हैं श्वेता कुमारी। एसआईआरबी दुमका महिला प्लाटून श्वेता कुमारी मंच के समक्ष से गुजरती हुई सहायक पुलिस दुमका महिला प्लाटून परिचारी